नमस्ते दोस्तों, आयुष बैंकिंग क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज मैं सिखाऊंगा कि झारखंड में जो मूल निवासी है, जिनको अपना एसटीएससी सर्टिफिकेट, ओबीसी सर्टिफिकेट या फिर जो भी आपका सर्टिफिकेट आपको बनाना है, तो उसका क्या प्रोसेस है। ठीक है, तो ये दोस्तों ये वीडियो सिर्फ झारखंड के मूल निवासी या झारखंड में जो ओबीसी नॉन क्रिमिनल लेयर में आते हैं, आपका कोई भी कास्ट में, झारखंड के लिए है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं क्या प्रोसेस है। तो आपको दोस्तों गूगल पे लिखना है झार सेवा। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने लिख दिया झार सेवा, यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, देख रहे हो। चलिए उस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों आपका इस तरह खुलेगा। ठीक है, तो दोस्तों आप तो देख रहे हो यहाँ पर कि जो पहला जो है आपका लिंक, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो पहला लिंक पर हम क्लिक कर देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये ऑफिशियल वेबसाइट है झार सेवा का, झारखंड सरकार का, जहाँ पर आपका सारा सर्टिफिकेट बनता है। ठीक है, आपका कोई भी सर्टिफिकेट आपको बनाना हो तो यहाँ पर आय प्रमाण पत्र आपका बनेगा, आपका लोकल रेसिडेंस सर्टिफिकेट बनेगा। ठीक है, विधवा पेंशन का बनेगा और भी बहुत सारे फैसिलिटी है, तो आप उसका लाभ उठा सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज़, सबसे बड़ा चीज़ है कि अगर आप पहली बार इस्तेमाल कर रहे हो तो दोस्तों आपको यहाँ पर रजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक है, रजिस्टर योर सेल्फ। ठीक है, तो रजिस्टर योर सेल्फ पर आप क्लिक करोगे तो सारा डिटेल आपको भरने, एक फॉर्म जैसा आएगा, तो फॉर्म पे आप सब कुछ भर देना सही सही, और आप रजिस्टर्ड हो जाओगे। ठीक है, और अगर पहले से आपका रजिस्ट्रेशन है तो दोस्तों आपको लॉगिन क्लिक करना है। ठीक है, तो ये रहा लॉगिन, तो मेरा तो पहले से है, तो मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, तो मैंने कर दिया। तो यहाँ देख रहे हो दोस्तों आपके सामने कि दो बॉक्स आ गया। ठीक है, यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी डालना है। ठीक है, और यहाँ पर आपको पासवर्ड डालना है, और यहाँ पर आपको कैप्चा डालना है। ठीक है, तो मैं, चलिए मैं डालता हूँ अपना ईमेल आईडी। तो दोस्तों मैंने अपना लॉगिन कर दिया है और पासवर्ड वगैरह डाल के मैंने अपना वेब पेज खोल लिया है। तो दोस्तों आप लोग जैसे देख पा रहे हो यहाँ पर, ठीक है, अप्लाई फॉर सर्विसेज। ठीक है, तो आपको दोस्तों यहाँ पर क्लिक करना है। ठीक है, चलिए क्लिक करते हैं। व्यू ऑल सर्विसेज। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे हो वहाँ पर कि जैसे हमारे झारखंड राज्य में कितने टोटल हो रहे हैं, तो वो आपको दिख जाएगा। जैसे आपको कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ अप्लाई कर सकते हो आप दोस्तों, कास्ट सर्टिफिकेट, इशू ऑफ इनकम सर्टिफिकेट कर सकते हो, आई प्रमाण पत्र, आपका लोकल रेजिडेंस सर्टिफिकेट। ठीक है, और झारखंड सोशल सिक्योरिटी पेंशन। तो दोस्तों ये पेंशन भी अप्लाई कर सकते हो, और साथ में एसटीएससी सर्टिफिकेट टू माइग्रेंट। ठीक है, तो ये भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका कास्ट मान लीजिए पहले ओबीसी में था और अभी आप एससी में आ गए हो, तो यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अप्लाई करते हैं। यहाँ पर हमको अप्लाई करना है कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हो कि ये आपका वेब पेज खुल गया है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो कि यहाँ दो टाइप का है। ठीक है, पहला क्या है, नॉर्मल, और दूसरा क्या है, तत्काल। ठीक है, तो हमें दोस्तों क्या चीज़ करना है, आपको नॉर्मल में अप्लाई कर देना है। तो नॉर्मल में दोस्तों 2 से 3 महीने लग जाते हैं। ठीक है, और तत्काल में दोस्तों मात्र 10 दिन के अंदर लग जाते हैं। ठीक है, तो तत्काल में भी अप्लाई कर सकते हो, बट तत्काल में आपको वैलिड डॉक्यूमेंट लगेगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको तत्काल में अप्लाई करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो तत्काल पे मैंने क्लिक कर दिया। रीज़न ऑफ तत्काल, तो दोस्तों आप देख सकते हो रेलवे रिक्रूटमेंट जैसे है, या जो भी आपका रिक्रूटमेंट रहे, रेलवे, आप लिख देना रेलवे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर श्री, तो लड़का है तो आप मेल फीमेल कब करते हो, श्री करना। ठीक है, और जेंडर आपका मेल, या तो मेल में करता हूँ, आपका नाम यहाँ लिख लेना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं अपना नाम लिख देता हूँ, कोई लिख दिया। आपको डेट ऑफ बर्थ दोस्तों यहाँ लिखना है, तो चलिए कोई भी डेट ऑफ बर्थ, मैं तो रेंडमली कोई सिलेक्ट करके देता हूँ आपके सामने।
ताकि आप लोगों को दिखाने के लिए। तो ये फॉल्स है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए डेट ऑफ बर्थ मैं कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, आप लोग अपना करना, ठीक है। तो चलिए मैं एक ये डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लिया, तो एक्चुअल मेरा नहीं है बट मैं शो करने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपका दोस्तों यहाँ देख रहे हो, आप लोगों को जो भी डेट ऑफ बर्थ डालोगे तो आपका एज यहाँ शो करेगा, ठीक है। यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर डालना है, तो चलिए मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, कोई भी नंबर डाल दो आप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ऑलरेडी आपके पास अगर है सर्टिफिकेट तो फिर टेंशन नहीं है, आप लोग यहाँ पर हाई लेवल पर क्लिक करना, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मैं हाई लेवल पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों। ये आपका है हायर लेवल, ठीक है। तो हायर पे क्लिक कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पर लिखना है आप लोग को, जैसे आप के पापा का नाम लिखना है यहाँ पर, तो सन, अगर आप माँ का नाम लिखना चाहते हो तो डॉटर लिख सकते हो, वाइफ अगर आप किसी की वाइफ हो तो वाइफ भी कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए, तो उससे पहले यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना ऑफ श्री, ठीक है। जैसे आपका पापा का नाम लिखना चाहते हो तो कुछ भी लिख सकते हो दोस्तों, मैं लिख देता हूँ। ठीक है, जैसे मेरे पापा का नाम है, रिलीजन में जैसे मेरा हिंदू है, और क्या आप ऑक्यूपेशन करते हो तो स्टूडेंट, ठीक है। कैटेगरी आपकी कौन सी है, तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन आप देख रहे हो, आपका जो कैटेगरी आप वो सेलेक्ट करना, ठीक है। तो जैसे मेरा BC1 है तो मैं BC1 पे क्लिक करूँगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप लोग को BC1 के अंदर कितने कास्ट आते हैं, ठीक है, तो आपको वो कास्ट सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो जैसे मेरा कास्ट आता है, ठीक है, ये मेरा कास्ट हो गया, तो मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। अभी दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको आप दोस्तों अपना फ़ोटो अपलोड करना रहता है, ठीक है। तो इस पर क्लिक करोगे तो फ़ोटो अपलोड जहाँ लोकेशन आपका है लैपटॉप में या मोबाइल में जहाँ पर है, तो वो फ़ोटो आप लोग यहाँ पर डालना होगा, ठीक है। क्लिक करके यहाँ पर लिखा चूज़ फाइल पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो किस पर्पज़ के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट पर क्लिक करना, ठीक है, आप फ़ोटो उसके बाद डाल देना अपना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हो आपका परमानेंट एड्रेस है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो भी परमानेंट एड्रेस है वो अब लिख देना, जैसे मेरा है, अच्छे से लिख देना दोस्तों जो भी आपका परमानेंट, मैं तो अभी बस दिखाने के लिए हाफ हाफ लिख रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इंडिया लिख देना, यहाँ पर इंडिया पे क्लिक कर देना। उसके बाद आपका ये हो गया झारखंड, तो झारखंड पर क्लिक कर दिए। डिस्ट्रिक्ट जैसे मेरा बोकारो है तो बोकारो पर क्लिक कर दिए, आप अपना करना, ठीक है। सब डिविज़न मेरा तो चास है तो आप अपना करना। यहाँ पर दोस्तों आपका आपको जो परमानेंट एड्रेस है उसका पोस्ट ऑफिस किया है तो वो यहाँ लिखाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपका पुलिस स्टेशन क्या है, ठीक है, कौन से थाने के अंतर्गत आप आते हो उसका डिटेल यहाँ लिखना है, ठीक है। उसके बाद जो आपका जो लोकेशन है गाँव का मतलब है, तो वो क्या चाहिए, मतलब रूरल है, ग्रामीण क्षेत्र है, म्यूनसिपालिटी है, या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, या नोटिफाइड एरिया है, मतलब किसी, मान लीजिए कोई कंपनी के अंतर्गत में आता है, जैसे कोल इंडिया हो गया, आपका सेल वेल हो गया, तो उसके क्वार्टर देता है, ये नोटिफिकेट ये हो गया नोटिफाइड एरिया में, ठीक है। नगर पंचायत अगर है तो उस पर आप टिक करोगे। कंटोनमेंट बोर्ड है, कौन सा बोर्ड के अंदर आता है, तो वो आप कर, तो दोस्तों आपका जो है आप उस पर क्लिक करोगे, ठीक है। उसके बाद पिन कोड यहाँ पर डाल दोगे, ठीक है। तो जैसे मेरा है, आपको डाल देता हूँ, ये डाल दिया, ठीक है। उसके बाद आपका प्रेजेंट एड्रेस दोस्तों यहाँ देखो, तो प्रेजेंट एड्रेस आपको सेलेक्ट करना, यस। अगर आपका दोस्तों प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप यस पे क्लिक करोगे, अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो आप उस पर नो पे क्लिक करोगे, ठीक है। तो नो पे क्लिक करोगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको अपना एड्रेस लिखना है, ठीक है। उसके बाद कंट्री पे, तो वो तो इंडिया ही होगा। स्टेट तो आप अपना करना जो आपका है, ये मैंने कर दिया, ठीक है।
उसके बाद जैसे मेरा डिस्ट्रिक्ट है तो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया, फिर सब डिवीज़न है तो सब डिवीज़न कर लिया, फिर पोस्ट ऑफिस उसका उसका थाना क्या है वो थाना को यहाँ पर लिखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और लोकेशन पर दोस्तों आप ये कर देना जो आपका है नगर पंचायत रूलर जो है, पिन कोड है दोस्तों तो पिन कोड आप लोग यहाँ डाल देना फटाफट। ठीक है, उसके बाद इशूइंग अथॉरिटी दोस्तों यही सबसे आपको डिसाइड करेगा कि आपका सेंट्रल का है या आपका स्टेट का है। ठीक है, आपको दोस्तों चाहिए सेंट्रल का, ठीक है, तो सेंट्रल इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ देख रहे हो एरो छोटा सा एरो है ना दोस्तों, तो इस पर हमें क्लिक करना है। ठीक है, तो जैसे मैं क्लिक कर देता हूँ, क्लिक कर दिया, अब आ रहा है प्लीज सेलेक्ट, तो यहाँ पर आपका अथॉरिटी आएगा प्लीज सेलेक्ट। तो सभी मोबाइल में तो शायद नहीं खुल रहा, कुछ प्रॉब्लम है, बट यहाँ पर दोस्तों क्या आएगा आपका अथॉरिटी कि सब डिविजनल या डिप्टी कमिश्नर। ठीक है, यहाँ दो ऑप्शन आ गए, मोबाइल में शायद सपोर्ट नहीं कर रहा है, इट्स ओके, बट यहाँ पर आपका आएगा दो आएगा, SDM आएगा, SDO आएगा और डिप्टी कमिश्नर, तो उसमें आपको डिप्टी कमिश्नर में क्लिक करना है। ठीक है, ऑफिस यहाँ देखिए दोस्तों, जो दो मैं जिसकी बात कर, लाइन लाइन डिपार्टमेंट क्लिक कर दिए, और डिपार्टमेंट ऑफ ठीक है ठीक है, और डिवीज़न तो आप लोग अपना डिवीज़न यहाँ सेलेक्ट कर लेना, जैसे मेरा तो आपका हजारीबाग डिवीज़न में पड़ता है। ठीक है, तो चलिए मैं हजारीबाग डिवीज़न में क्लिक कर देता हूँ, आप लोग देख पा रहे हो दोस्तों यहाँ क्या साफ साफ लिखा है, ऑफिस ऑफ डिविजनल कमिश्नर, ठीक है, DC हजारीबाग। तो यही दोस्तों आपका डिसाइड करेगा, DC का बन गया मतलब यही सबका सेंट्रल का वैल्यू है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, तो मैंने DC पे क्लिक कर लिया और इसको ओके कर दिया। ठीक है, यहाँ पर ओके का साइन है, इसको ओके कर दिया। तो दोस्तों ओके करने के बाद देखते हैं क्या आता है, चलिए तो चलिए, हाँ ठीक है सर, चलिए सर्किल बोल रहा है, कौन सर्किल पे आप, चास पे मेरा है। ठीक है, उसके बाद सेक्शन ऑफिस, ठीक है, अब आपको दोस्तों यहाँ क्लिक कर देना है। ठीक है, आपका ये सर्टिफिकेट पूरा रेडी हो गया, आप लोग सही सही भर लेना, ये आपका रेडी हो गया। और यहाँ पर दोस्तों आपका है ड्राफ्ट या सबमिट, तो दोस्तों आप लोग सबमिट पे क्लिक करना। ठीक है, सबमिट पे क्लिक कर दोगे तो उसके बाद दोस्तों आपका पूछेगा वैलिड रीज़न और वैलिड आपका डॉक्यूमेंट फॉर तत्काल, तो दोस्तों उस पर आप लोग क्लिक करोगे तो आपका जो आया जो कॉल लेटर रहेगा आप उसको अपलोड कर देना। ठीक है, वहाँ पर, और साथ ही में जो आपके पास जो सर्टिफिकेट है SDO से मिला हुआ उसको भी अपलोड कर देना, बस दो चीज़ को अपलोड कर दोगे, सबमिट कर देना और आपका अप्लाई हो जाएगा DC के लिए, और वही आपका कास्ट सर्टिफिकेट होगा OBC नॉन क्रिमिनल ईयर, और वही उसी का वैल्यू है सेंट्रल का। ठीक है, तो अलग से आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपका जो सर्टिफिकेट होगा तो वही आपका सेंट्रल का सर्टिफिकेट होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, इसके बाद भी अगर कुछ डाउट होता तो आप लोग दोस्तों कमेंट पे लिख सकते हो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, जय हिंद जय भारत।